Hi guys, welcome back to ILM Academy. And today in this video, we are doing D2, starting D2. ठीक है, D2 को हम start करने लगे हैं maths की जो O levels की है. ठीक है, तो उसके अंदर जो first chapter है, वो है direct और inverse proportions. ठीक है, एक तरफ direct है और inverse proportions है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इनवर्स प्रोपोर्शन तो भी आगे जाके लर्न करेंगे, मगर हम सिर्फ इस वक्त डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ फोकस करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ किसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि एक चीज़ जिस तरह प्रोपोर्शन हो रही है उसी तरह दूसरी चीज़ प्रोपोर्शन हो रही है. जैसे कि अगर आपने एक बॉल है, ठीक है, या एक सर्कल है, वो दो स्क्वायर्स के इक्वल है. ठीक है, तो जब ये दो सर्कल होंगे ना, तो स्क्वायर्स चार हो जाएंगे. ठीक है, अब ये जो चार स्क्वायर्स क्यों हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्या हुआ है कि जब एक का प्रोपोर्शन था दो, ठीक है, मगर जब दो हुए तो दो के प्रोपोर्शंस दो दफ़ा दो हो गए. ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये सर्कल जो है ना, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब कि अगर सर्कल इंक्रीज करेगा तो स्क्वायर्स भी इक्वली इंक्रीज करेंगे, और अगर सर्कल डिक्रीज करेगा तो स्क्वायर्स भी इक्वली, या कोई भी अमाउंट इंक्रीज करेगी तो दूसरी अमाउंट भी इक्वली इंक्रीज, या कोई भी अमाउंट डिक्रीज करेगी तो दूसरी अमाउंट भी इक्वली डिक्रीज करेगी. तो सबसे पहले अब इसको फर्दर समझने के लिए हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास इसको समझने के लिए दो मेथड्स होते हैं. ठीक है, दो मेथड्स में अब एक सवाल है, मैं आपको उसको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ. ठीक है, हमारे पास 6 kg के बिस्किट्स हैं, 6 kg ऑफ बिस्किट्स हैं. ठीक है, 6 kg बिस्किट्स. ठीक है, और उसके अलावा जिनकी जो कॉस्ट है ना, टोटल 6 के 6 की, वो उनकी कॉस्ट आप ले लें 27. ठीक है, 27. ठीक है, तो वो कहता है कि अगर 6 kg बिस्किट्स की 27 है तो 13 kg की कितनी होगी. ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है. अब इसके लिए दो मेथड्स यूज होते हैं. सबसे पहला मेथड जो इसके लिए यूज़ होता है वो है यूनिट्री. ठीक है, यूनिट्री मेथड. ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ये होता है कि आप जो हैं इसको अलग अलग तरीके से मतलब इसको नॉर्मली जिस तरह आप डेली लाइफ में सॉल्व करते हैं उस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखें 6 kg बिस्किट्स की कॉस्ट 27 है. ठीक है, तो 1 kg बिस्किट की पहले निकालेंगे आप. 1 kg बिस्किट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 को, 1 kg बिस्किट कॉस्ट निकालने के लिए आप ये करेंगे, 27 जो प्राइस है उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 kg की कॉस्ट निकल आएगी. ठीक है, और फिर आप वही जो ये जो आपने निकाला होगा 27 डिवाइडेड बाई 6, इसको जब आप फर्दर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 13 kg बिस्किट्स की कॉस्ट निकल आएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी ये इक्वल्स लगना था, जो कि हमारे पास आ जाएगी 58.50. ठीक है, ये तो हो गया यूनिटरी मेथड, जिससे आप यूजुअली रियल लाइफ में आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. पहले आप ने अगर आपको ज़्यादा केजीज में चीज़ें दी हो तो पहले आप 1 kg की निकाल के फिर सेपरेट केजीज या सेपरेट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मगर इसका एक सेकंड मेथड आता है जिसको कहते हैं हम मेथड 2 में, जिसे हम कहते हैं वो है प्रोपोर्शनल मेथड. ठीक है, अब ये जो मेथड है इसी के ऊपर चैप्टर बेस्ड है, मतलब ये सारा प्रोपोर्शन बेस्ड चैप्टर है. ठीक है, प्रोपोर्शन बेसिकली प्रोपोर्शन का मतलब हिस्से करना होता है. ठीक है, तो ये सारा चैप्टर प्रोपोर्शन बेस्ड है.
ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेसिफाइक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे नहीं होता कि मतलब आप कोई भी मतलब चीज़ जो है उसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमको अपने माइंड में भी रखना पड़ेगा, जो कि है x1 डिवाइडेड बाय y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय y2, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रोपोर्शन मेथड से इसी कॉस को फाइंड करने का, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान प्रोपोर्शन मेथड ने कर दिया है कि देखो अगर हम फर्ज करो कि हम जो है हमारे पास 13 kg बिस्किट्स की वैल्यू को हम एक्स ले लेते हैं कि जी चलो 13 kg बिस्किट्स की जो वैल्यू है ना वो हमें नहीं पता, वो हमें प्राइस नहीं पता, तो हम उसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो अब आपने इसको ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है आपने, देखो अगर आपके पास 6 kg बिस्किट्स हैं, ठीक है, 27 प्राइस है, तो उसमें आपको 6 kg मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको 27/6 मिल लिख दो, और इक्वल लगा के आपने ये करना है एक्स लिखना है क्योंकि इसकी प्राइस आपको पता नहीं है, और डिवाइडेड बाय 13 कर देनी है, ठीक है। मतलब कुछ हद तक आपको समझ आ रही होगी, या अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं कुछ और वैल्यू से भी आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आप यूजुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 6x आ जाएगा, और वो करके आंसर फिर भी आपका 58.50 ही निकलेगा, ठीक है। अब मैं फर्ज करें इस प्रोपोर्शन मेथड से मिलता जुलता एक और प्रोपोर्शन मेथड करता हूँ, ठीक है। मतलब कि आप एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास टू बॉल्स हैं, ठीक है, और जिनकी प्राइस है $20, ठीक है। अब हमें 6 बॉल्स की प्राइस नहीं पता, ठीक है, 6 बॉल्स की प्राइस हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो कितने की हैं, ठीक है। तो अब इसका मेथड क्या होगा कि देखो हमने प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 20 बॉल्स को डिवाइड कर देंगे 2 बॉल्स से, ठीक है, कि मतलब 20 बॉल्स सॉरी $20 की 2 बॉल्स हैं, तो $X की 6 बॉल्स हैं, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है, मतलब आपने ना इसको आमने सामने लिखना है, ठीक है। इक्वल के इधर आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो लिखनी है, और इक्वल के उधर जो आपने वैल्यू निकालनी है वो लिखनी है, ठीक है। तो लाइक आपने ना, अगर मैं आपको इसका एक इजी वे बताऊँ ना, तो वो ये है कि आप इसको डायरेक्टली क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्रॉस आप किस तरह कर सकते हैं वो उस तरह से भी मैं वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आपको पता है इक्वल के उधर इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये 2x आ जाएगा, और 20 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 6 0 6 1 6 2 12, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ना ये x हमारे पास इधर आ गया, ठीक है, और 120 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, और x की जगह हमारे पास 2 0 0, ठीक है, 0 कट गया, और 2 6 12, इट्स मीन कि हमारे पास 6 बॉल्स की प्राइस जो है वो 60 आएगी, ठीक है। तो अब इस तरह तो मैंने निकाल लिया। अब अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर आप इसको इस प्राइस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर सेम निकलेगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, मतलब कि मतलब अगर आप कोई इक्वल वाला फॉर्मूला नहीं भी बनाना आ रहा ना, तो आप इसको यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ऐसे आपने लिखा 2 बॉल्स 20 की प्राइस की हैं, 6 बॉल्स x प्राइस की हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया आमने सामने। अब 20 को नीचे वाली फिगर से और इसको इस फिगर से आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में इनके इक्वल लगा दो, तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसके अंदर अब हम थोड़ा सा फर्दर कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पेनिट्रेट करते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर और क्या है, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूला है जो आप कह लें कि हमें जो है वो सीखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला सीखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लें कि अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज होता है, कि अगर हो कि इफ, ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ इस सिचुएशन पे यूज होता है। इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है? अब ये फॉर्मूला ये है कि देखो, अब वाई ओवर एक्स आप यूजली जब वाई को आप एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते हो तो आप वो क्या लिखोगे, वाई ओवर एक्स लिखोगे ना, ठीक है। वाई ओवर एक्स मतलब कि अगर देखो फर्ज करो आपके आपकी वाई आपकी प्राइस है, ठीक है, और प्राइस में आपके पास 40 की प्राइस है, ठीक है, और इधर आपके पास एक्स में 20 बैट्स हैं, ठीक है, 40 प्राइस है, 20 बैट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको वाई ओवर एक्स ही लिखोगे ना निकालने के लिए एक बैट की प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वाई ओवर एक्स लिखोगे, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको भी इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कह रहा हूँ, अगर वो ये सवाल में कहता है कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो उसका एक फार्मूला बनता है जिसके अंदर एक के नाम की चीज आती है, के जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जब तक ये के आपका ना निकले आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ठीक है। तो इसका मैं क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। तो ये जो होता है ना, ये वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, अगर वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, और अगर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये किस तरह होता है, क्या इसका सिस्टम है, ठीक है। तो इसके हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब उसने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर बोला है जी कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, जहाँ उसने हमें वाई की जो वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है वो उसने हमें 12 दी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू उसने हमें 4 दी, ठीक है। तो उसने कहा जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अच्छा, अब ये के क्यों लगाया गया, मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज देगा जिनकी मदद से आप के निकालेंगे, ठीक है। ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में आपने फार्मूला यूज करना है जिन क्वेश्चंस में वो कहे वाई इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, ओह सॉरी, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या ट्वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैट, या किसी भी चीज को किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है। ये प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। तो अब देखो, उन्होंने हमें दो फिगर्स दी, ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाई को 12 लिख देना है, इज इक्वल्स टू के एक्स हमारा फॉर्मूला था, एक्स की जगह हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है। अब ये जो के की वैल्यू है ना, ये आपके पास आ गई 3, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो आपको एक और क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, पार्ट 2 करके वो आपको एग्जाम में देगा, जिसमें वो कहेगा आपने वाई की वैल्यू निकालनी है जबकि एक्स आपको, वाई की वैल्यू निकालनी है जबकि एक्स आपको 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार वाई की वैल्यू कैसे निकालें जबकि एक्स हमें 8 दिया हुआ है, तो इस चीज के लिए आपने के निकाला था, ठीक है। तो जब आप वाई इज इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वाई की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, तो ठीक है। तो अब के की जगह हमने ये जो के की इतनी फिगर निकाली है ना, के की जगह ये 3 लगेगा, एक्स की जगह उन्होंने 8 ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो 8 1 8, 8 8 2 16 और 8 3 24, ठीक है। और ये 24 आपका आंसर वाई निकला है, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाई थी कि आपको थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का आइडिया हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब वो अगर फिर भी आपको कोई इशू आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के लिए थी, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स आता जाएगा वो मैं आपको उससे पहले साथ साथ सिखाता रहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की और भी बहुत फॉर्म्स हैं जो हम स्लो स्लो करके चलेंगे, ठीक है। एकदम से अगर मैं सब कुछ करवा दूंगा वो आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो को समझिए, और इसकी जब मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ तो फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जीरो से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।